हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो गाइज यार, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा होम टूर। जी हाँ, मेरा फर्स्ट व्लॉग। फर्स्ट व्लॉग वैसे मैंने सीधे ही सेटअप टूर डाला था, और 2020 में भी आप लोग आज से 3 साल पहले मेरी स्किल्स देखने यार, बोलने वगैरह की। तो चलो यार, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा होम टूर। तो ऑल राइट गाइज यार, यहाँ पर मैंने ये 4K में अपलोड कर रखा था। उस टाइम मेरे पास शायद मोबाइल रियलमी 2 प्रो था शायद, उसमें मैंने एक्सपोर्ट वगैरह करके 4K में वगैरह में डाला। तो ये मेरा सेकंड व्लॉग था। वैसे फर्स्ट व्लॉग मैंने सेटअप टूर ही डाला था, लेकिन ये होम टूर सेकंड व्लॉग है। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं मेरे व्लॉग चैनल पर। यार ये तो देखना आप लोगों को जरूरी है। आप देखो मेरा 3 साल पहले कैसा था मेरा घर, जो कि आने वाले वीडियोज में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे दोबारा से होम टूर। इस वजह से मैं नॉस्टैल्जिया हिट करने के लिए ये देखना चाहता हूँ। तो चलो लेट्स गो। वेलकम, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आप सभी लोगों को स्वागत है आज के इस ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो गाइज आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच दिल से कि आपने मेरे 25,000 सब्सक्राइबर देखा। 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, ये एक की बात है। एक सेकंड, या सिर्फ 2 साल पहले की बात है, 26 दिसंबर 2000, ये 25 का है शायद, 25 दिसंबर की कंप्लीट करवा दिए। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच एड मेरी मेरी क्रिसमस। तो आज 25 दिसंबर, तो आप सभी लोगों को मेरी क्रिसमस। तो आज हम करने वाले हैं 25 के स्पेशल पर हमारा रूम टूर। हाँ, यहीं आके बेच ले इसको, नहीं बेच ले यहीं आके, चल वीडियो बनाने बैठता हूँ, कभी किसी के बच्चे रोने लग जाते हैं, कभी ये आ जाता है, बिल्कुल यहीं आकर बेच। तो चले गाइज, कितनी भी बात आएंगे लेकिन हमें नहीं रुकना है और हमें अपनी वीडियो बनाना है गाइज, थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से रहने वाला बंदा हूँ, तो प्लीज़ यार हमें जज मत करना कि कैसे घर है कैसे नहीं, और इसके पीछे का स्ट्रगल है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो मेरे डायरी वगैरह नहीं आए थे, कितने छोटे छोटे से बाल आ रहे थे, लेकिन स्मार्ट में पहले भी था भाई। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा, व्लॉग काफी सारे आएंगे इस चैनल पर, और सेकंड चैनल बनाया मैंने व्लॉग का। हाँ बिल्कुल, यही आगे बेच ले तू। 2020 में व्लॉग्स देखो, और मैं नहीं बनाता यार, शिट मैं क्यों नहीं बनाता, और मैं काफी पुरानी चीजें आप लोग दिखाऊंगा, देखना भाई मजा आएगा। हम नहीं बोल रहा होगा, और ये तो मैं कुछ वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश करा, पहले 4 साल पहले ऐसे ही होता था भाई। अब तो खैर सेपरेट रूम है, गेमिंग रूम, इसका भी व्लॉग आप लोगों को आएगा जल्दी, सेटअप टूर और व्लॉग वगैरह। तो चलो चलेगा, लेट्स गो। हम आप लोगों को दिखाते हैं अपना रूम टूर। तो चलेगा, लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारे अनार का पेड़ था भाई, ये दादा का थान बना। ये देखो टाइल वगैरह, ये देखो कलर भी नहीं हो रहे भाई, रात दिन में मैं ही लगा रहा भाई कलर करने के लिए। तो गाइस शुरुआत करते हैं इस घर से। इस घर पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए। ये मेरी हयाबूसा नीचे खड़ी है, जिसके 2 टूक कर रखे हैं हमने हयाबूसा के। इस वाली हयाबूसा की कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा सबसे छोटा सबसे छोटा भाई है जतिन, उसने इसकी जो बुरी हालत कर रखी थी, मैंने साइकिल परचेज की थी कि यार मैं थोड़ा बहुत इधर उधर को जाता हूँ तो इसको यूज़ कर लिया करूँगा। मेरे भाई ने जो इसकी रीड की है, 2 टूक कर दिया भाई, वो पता नहीं कैसे तो चलाता था कैसे नहीं, इसको ऐसी कि तैसी कर। तो जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पास ये आया भूसा है, और यहाँ पर एक मटका रखा है, और यहाँ पर रखा है इसमें आया था हमारा माइक का स्टैंड वगैरह। देख लो माइक का ये वाला स्टैंड गाइस, ये वाला स्टैंड आया था माइक को पहला भाई, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रही है, वैसे खाली है ये, अभी अभी बनाया है, इन पर गेट भी नहीं लगाया गाइस। ओ भाई साहब, इस पे गेट वगैरह भी है, और ये पानी ये वाला टूट गया, ये स्टोर करके रखा हुआ है यहाँ पर। अब लोग देख लो, राजस्थान में पानी को स्टोर करके रखा जाता है, इतनी किल्लत है पानी के उस टाइम देख पा रहे हो। तो ये तो एक कमरा था, इससे जैसे बाहर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये हमने फर्मा बना रखा, जो की बाहर रखे हुए थे। ये हमारे घर पे मेरे पापा जी ने बनाया था, तो हमारे इसका काम भी चलता है, मेरे पापा जी इनके ठेकेदार हैं। और यहाँ पर इस वाले घर में मेरे दादाजी रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ये उनका गैस सिलेंडर वगैरह और ये सब कुछ रखा हुआ है। ये चारपाई वगैरह है, और ये हमारे दादाजी का फ़ोन चार्ज लग रहा है, जियो का महंगा वाला, इससे अब नहीं करते। तो इससे आगे चलते हैं। तो ये 2 रसोई भाई, ये मेरा गेमिंग रूम देख लो, गेमिंग रूम क्या हालत देख लो तुम, ये गेमिंग रूम बना रखा है मैंने, ये वाला देख लो, ये क्या गेमिंग रूम बना दिया, इसकी वीडियो आएगी चैनल पर। एक ये और एक ये
ये रसोई है इसकी ये दो रसोई घर वालों ने पहले बांट दिए हमारे दोनों भाइयों के। यहाँ पर कुछ खाना वाना बनता है कि दोनों भाइयों की शादी होगी तो एक एक ले लेंगे। लेकिन देखो भाई जोक तो मारता था भाई, मैं जोक पहले मारता था, अब पता नहीं लाइफ में, पहले मेरे को किसी भी चीज का डर नहीं था यार, मैं जो चीज जो मुंह फट बोल देता था, अब यार डर लगता है भाई काफी सारी चीजें बोलने वगैरह से इंटरनेट पर। और मैं अब काफी इतना खुला भी नहीं हूँ घर वाले, ये देखो घर में कोई भी नहीं है ना, घर वाले सब जाए रखे और अभी भी कोई नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसे ही है भाई, अब थोड़ी सी शर्म निकालनी पड़ेगी वरना भूखा मरने का टाइम आ जाएगा। काफी सारी चीजें कर रहा हूँ, मजाक अटके भी ऐसे कुछ भी सीन नहीं है। और ये हमारे पानी पीने के मटके, तो हम तो इसी से ही पानी पीते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपका कुछ और जुगाड़ है, या फ्रिज वगैरह हमारे पास है नहीं। देखो इसमें फ्रिज तो ये आता है, ये कह रहा हूँ फ्रिज वगैरह है नहीं मेरे पास, लेकिन भाई मेरा ड्रीमिंग रूम। ओ भाई ये देखो ये गेमिंग रूम बना रखा था मैंने, ड्रीमिंग रूम मैंने बीजेएमआई पबजी मोबाइल खेलने के लिए इस यहाँ पर स्ट्रीम किया करता। देखो कितनी जेनुअन तरीके से ढक कर रख रखा भाई, कितनी कदर कर रखी है यहाँ पर मैंने। अब 1.5-2 लाख रुपए के पीसी को भी नहीं ढकता मैं, देखो यार भाई 2-3 साल पहले चलमी गेमर मनोज सिंह को सैल्यूट है भाई बंदा को। तो ये अभी कुछ खास इतना है नहीं, ये भी मैंने यहाँ पर अपना है वाईफाई जियो का गीगा फाइबर, ये सेटअप टूर में आप लोग बता दिए थे। और ये हमारा बेड, इस पर बिल्कुल भी मैं नहीं सोता हूँ क्योंकि मेरे छोटे भाई सोने नहीं देते, वो दोनों इस पर सो, एक भाई इस पर सोता है मिसेज सो। देखो तीनों भाई का अलग अलग का छोटे वाला और उससे छोटे, देखो मेरे छोटे वाला इस पर सोता है, सबसे छोटे वाला बीच में, मैं छोटे वाला इस पर सोता है और मैं उस पर सोता हूँ। और यहाँ पर हम मेरे को बिल्कुल न्यारा कर रखा है, मेरे कपड़े बिल्कुल अलग रख रखे हैं इन्होंने, देखो मेरे बैग्स वगैरह और वो, और भाई ये शील्ड मेरे पास, ये शील्ड वगैरह दोनों मेरे को कॉलेज में मिली थी कंपटीशन का टाइम पर। तुम्हारा भाई प्लेयर था यार, चैंपियन था तुम्हारा भाई, चैंपियन था। तो एक कुछ आप घर वाले जैसे रखते हैं वो देख लो, यहाँ पर रख रखे हैं कप वगैरह। और ये जिसको मैं यूज करता हूँ नहाने धोने के लिए, देखो भाई जाने के लिए। तो इससे आगे एक घर और आएगा, तो ये रहा, इसमें ये बिल्कुल नया साल का कैलेंडर अभी से ही लगा लिया हमने, हमारी पहले से ही नई साल आ गई है। और बाकी आप लोग खुद देख लीजिए, ये ओ भाई टीवी, टीवी है पता नहीं शायद कब चलाया हमने, अभी याद भी नहीं है हमारे। और ये इसमें कुछ दिख रहा है का, हाँ चलो दिख तो रहा हूँ मैं। तो ये आपका भाई है जुल्मी गेमर, तो यही था आज का रूम टूर। तो गाइज ऐसे रहते हैं, तो यार गाइज जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं कुछ खास इतने 2021-22 मैंने एक्सपेंसिव घर में नहीं रहता हूँ यार, मैं मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला हूँ। जो भी है आप लोगों के सामने ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ा चढ़ा कर कुछ दिखाया हो, जो भी है वो सिंपली मैंने आप लोग इस मिडिल क्लास फैमिली वाले के पास में सिल्वर प्ले बटन आ, क्या पता था इसको इसको इसके पास सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, इसके पास 1.5 लाख का पीसी आ जाएगा, इसको होश भी नहीं था भाई उस टाइम। और किस्मत चेंज होती है, ये देखो ये मैं आप लोगों को इस वजह से दिखाता हूँ क्या कुछ भी स्टार्ट करो, और इस टाइम में देखो क्या बढ़िया बोल रहा हूँ, अब के व्लॉग्स में भी नहीं बोलता मैं ऐसे, लेकिन उस टाइम देखो कॉन्फिडेंस था भाई, अब कॉन्फिडेंस सारा तोड़ रखा भाई काफी लोगों ने दिखा दिया है। तो ऐसा कुछ ज्यादा सीन नहीं जो आप कमेंट सेक्शन में कोई, ये काफी कमेंट देखे थे मैंने कि ये कर रहा है कि तू, ये जुल्मी गेमर था ना ये बेशरम था, इसको किसी भी शर्म नहीं थी भाई, और अब मेरे को शर्म आती है भाई बहुत तगड़ी, शर्म को मेरे को भेजना पड़ेगा भाई, इतना काला है ऐसा है भाई, जैसा हूँ वैसा तो मैं हुई, और शकल ठीक नहीं है तो भाई नहीं है तो नहीं है भाई, अपनी शकल ठीक, मैं उस सभी पर अभी रिस्पॉन्स कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को ये मेरा होम टूर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, जो भी ये ऐसे कमेंट आलतू फालतू कमेंट कर रहे, कमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा, अपनी ऐसी चलेगी और जलने वालों की ऐसी जलेगी। और देखो भाई है भाई क्या मतलब क्या ही बोलूं यार, मतलब उस टाइम पे भाई देखो क्या सैवेज रिप्लाई देता था भाई, मैं सीधा ही मैं चैनल हाइड दे दूंगा जो इतना फालतू बोलेगा इससे सीन से रिलेटेड। तो ये व्हाट्सएप कॉल की नोटिफिकेशन आती है, एक तो एमसी के बच्चे हैं म्यूजिक ना काफी कॉल करते हैं, तो मैं इसकी कॉल अटेंड करता हूँ, उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। तो हाँ गाइस यार वो उस टाइम पर देखो मेरे ऐसे होते थे भाई, मैं वीडियो अपने फोन से, और अभी मेरे पास एक ही फोन है उससे मैं व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करूँ, कोई कॉल आ जाए किसी को व्हाट्सएप कॉल आ जाए, बहुत
बहुत स्ट्रगल है गाइस लाइफ में। व्हाट्सएप को नंबर मैंने आप लोगों को दे रखे थे यार, ऐसे व्हाट्सएप ये व्लॉगिंग मेरे को कंटिन्यू करनी थी भाई, मेरे लास्ट 3 साल के, अब नेक्स्ट 6 मंथ में सब चीज व्लॉगिंग करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा भाई। आज मैं घूमने गया, तब मेरे को एक वे मिला कोई यूट्यूबर वगैरह भाई, उससे जो इज्जत मिली और उसके आसपास जितने भी लोग हैं उसने सबने रिकॉग्नाइज किया भाई, और वो भी व्लॉग के, उसने मेरे व्लॉग्स वगैरह देख रखे थे, तो देखो व्लॉग से काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है भाई, इतने गेमिंग चैनल से नहीं मिले ऐसे, और वैसे सब्सक्राइबर वगैरह मेरे को काफ़ी मिले मेरी सिटी में। कॉल करके बिल्कुल मेरे को परेशान मत किया करो यार गाइस, कुछ समझा करो थोड़ा बहुत। मैंने वो व्हाट्सएप नंबर सिर्फ इसलिए दे रखे ताकि आप लोगों से बातें कर सकूं, लेकिन आप उसका मिसयूज कर रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। बस चार वाला रे, और गाइस बस यार आपसे यही कहना था। और रही बात स्ट्रगल की, तो यार मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं उनको रिटर्न शायद ही कभी ना कर सकूँ। तो उनका स्ट्रगल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम आए थे इधर को, हम पहले उधर को रहते थे। ये बंदा अपनी हर एक चीज बताने के लिए रेडी था, क्यों, जब इसके कम सब्सक्राइबर थे, लेकिन अब मैं नहीं बताने को रेडी हूँ, जो कि मेरी बहुत गंदी बात है। तो वहाँ पर मेरे मम्मी पापा यहाँ पर रहने के लिए आए थे, तो पहले हमारा ये इतना बड़ा घर नहीं था, आप तो काफी अच्छा खासा बना लिया है। देखो इस टाइम, देखो इस टाइम जो घर आप लोगों ने देखा होगा, ये काफी लोगों के लिए होगा बढ़िया, काफ़ी लोगों के लिए नहीं होगा बढ़िया, लेकिन इस टाइम के हिसाब से भी मेरे मम्मी पापा ने जो मेहनत करके बनाया था ना, मैंने भाई देखा है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है, मैंने बताता नहीं काफ़ी सारी चीज़ें, पर मैंने वो चीज़ें देखी है। मैं लड़ाई से इतना दूर रहता हूँ, मैंने वो स्ट्रगल देखा है, मैं किसी दिन भूखा भी सोया हूँ, बाहर जाके मैंने फैक्ट्री में काम भी किया है, कंपनी में काम किया है, और उसमें 12 घंटे की आप नौकरी करके आते हो और उसके बाद आप भूखा सोते हो, आपको पता लगता है भाई। खैर वो बात सारी चलते रहेंगे, मेरे पापा की मेहनत है, तो उन्होंने काफी मेहनत किया तो इतना अच्छा घर बना लिया अभी, और अभी भी इस पर अगले अभी काम बाकी है। देखो काम बाकी, और अभी भी देखो 3 साल में क्या काम कर दिया, अब इसके बाद में होम टूर ही डालूंगा ये, तो अभी तो ये काम काफी रह रहा है, तो इसके सारे गेट कल लग जाएंगे, तो मैं उस जैसे कि अब आप लोग आगे आगे ब्लॉग देखते जाओगे तो पता लगता जाएगा आप लोगों को कि कहाँ से कहाँ तक, तो ये मेमोरीज है जो मैं बना कर रख रहा हूँ अपने लिए, बाकी आप लोग इस बात के लिए भाई इसको सैल्यूट है, इस बंदे को इस बात के लिए सैल्यूट है भाई। आज मेरे को मन हुआ है यार, 3 साल पहले मैं क्या कर रहा था, मेरा घर कैसा था, ये देखना हो, इस बंदे ने सही किया वो काम, और मैं बहन यार मैं गाली भी नहीं दे सकता, मैं नहीं कर रहा वो काम, मेरे को 2020 से ही कर देना था, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट भी की थी मेरे छोटे वाले भाई की शादी वगैरह के लिए, लेकिन यार काम में इतना बिजी होता हूँ मैं, देखो मैं घर में मेरे को सारी चीज़ देखनी रहती है, अब दो दिन आपने देखा होगा, 10 दिन पहले दादाजी की तबीयत खराब होगी, दादाजी को मैं दिखा कर लाया, अब कल परसों दादी की तबीयत खराब होगी, दादी को दिखा कर लाया, ऊपर से खुद की वीडियो बनानी, खुद की केयर करनी, घर वालों की केयर करनी, सारा कुछ देखना पड़ता है यार मेरे को भाई, इस बंदे को परसों बाकी मैं भी अब इस बंदे जैसा बनना चाहूँगा, दिस बंदे जैसा लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। इतने आप लोग कहते हो, मैंने कम्युनिटी टाइम में पोस्ट किया था कि हमारा रूम टूर डालो, तो आप सभी लोग कह रहे थे कि बिल्कुल डालिए, तो गाइज ये सिंपली जुलमी गेमर आपका भाई ऐसा रहता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, जो कि मैं लाइव स्ट्रीम पर कहता हूँ, और बाकी यही सीन है यार, काफ़ी कुछ है नहीं, और डेली व्लॉग्स करने की प्रक्रिया, अगर ये बंदा उस टाइम डेली व्लॉग्स करने लग जाता है भाई अलग ही स्टेज पे होता आज मैं, बट देर आए दुरुस्त आए आज से करते हैं, तो इस वजह से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, और हाँ पापा जी का मैं स्ट्रगल को बता रहा था यार, उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है, बाकी मेरे लिए तो काफी, ये वीडियो देखनी चाहिए मेरे पापा को 2023 में, काफ़ी सारी चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ पर मैं अभी नहीं बोल सकता, काफ़ी कुछ कर दिया, क्योंकि हाँ किसी को पता नहीं है तो Q&A वीडियो इसके बाद आएगी, तो Q&A वीडियो में मैं काफ़ी अब सारे क्वेश्चन को रिवील करने वाला हूँ मेरे से रिलेटिव, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी यार। एक तो आप लोगों को सपोर्ट इतना ज़बरदस्त आ रहा है कि यार पूछो ही मत, मेरे को प्लान करने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, आपके इतने इतने जल्दी आप माइलस्टोन का, ये बंदा खुश था, और इस बंदे को देखो ये बंदा नहीं खुश भाई, ये 25,000 सब्स पे भी खुश था, और ये आज 2 लाख से जो घट रहे हैं घटता आ रहे हैं, ये नहीं है खुश।
कंप्लीट कर रहे हो। मैंने 10 के स्पेशल के लिए वीडियो सोची थी, नहीं आई। 20 के लिए स्पेशल वीडियो सोची थी, वो भी नहीं। अब 25 के लिए क्यों मैंने सोचा था तो मैं कुछ अलग तरीके से शूट कर रहा था, तो उसको वो भी डिले हो गया। तो अब ये मैंने सोचा अब ये होम टूर का तो डाल ही दूँ। चलो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय। सो ऑलराइट गाइस, यार मुझको खुद को नॉस्टैल्जिया हिट करने थे, इस वजह से मैंने पुराना व्लॉग देखा और आप लोगों को भी दिखाया कि 3 साल पहले मैं कैसे रहता था और आज मैं कैसे रहता हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियोज में, तो उसमें आप लोग देखना मैंने कितना सारा चेंज कर दिया भाई। और ऑब्वियसली ये मैंने नहीं किया, घर वालों ने किया है। और रिसेंटली अभी मैंने जो भंडारा करवाया था, घर वालों ने करवाया था, उसकी काफ़ी लोग पूछ रहे कि कितना कॉस्ट लगा, तो उसकी वीडियो भी आप लोग देखने के लिए मिलेगी। व्लॉगिंग चैनल को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से, व्लॉगिंग चैनल पर मैं काफ़ी तरीके से रेगुलर होने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। एंड अब सेटअप टूर की वीडियो भी आप लोगों को रिएक्ट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद इस वाले सेटअप टूर को देखना क्या है मैंने लाइफ में। अब ये वाली दो वीडियो कंपैरिजन करके जब देखना कि क्या है मैंने, सेटअप टूर तो सेल्फ अर्न है, बहुत सारी चीज़ें की, और साथ के साथ मेरे पुराने जो मैं वीडियोज़ बनाया करता था वो भी दिखाऊंगा, फाइंस वगैरह के ये इस ब्लॉग चैनल पर दिखाऊंगा। और साथ में मेरे भाइयों वगैरह की शादी वगैरह भी है, उनका भी ब्लॉग डालूंगा भाई, अर्न सारी तरीके से करना। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।